विधानसभा चुनाव ने लेर चुनाव प्रचार जोरा में थे। मुख्यमंत्री बजनाथ शर्मा देवरियोनियार सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुजराव समर्थन में जनसभा ने कर संबोधित। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवाल समर्थन में कर चुनाव प्रचार। राज्य की सात सीटा में थे जीत की जताई उम्मीद। राज्य सरकार शिक्षा विभाग में कर नवाचार। कक्षा नवी सु बारवी ताय होवाली जिला समान परीक्षा ने करियो राज्य स्तरीय। जयपुर में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत कर्टन रेजर कार्यक्रम नो करियो गयो आयोजन। कार्यक्रम में वक्ता देश में हो रहे वैज्ञानिक नवाचार माथे करी चर्चा। आर भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरा की जीत के साथ करी शुरुआत। डर्बन में खेलिया गया पहला टी20 मैच में मेजबान अफ्रीका ने 61 रन से हरायो। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान देख रहे हो थे। ठाकुर राजस्थान बुलेटिन में घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। विधानसभा उपचुनाव ने ले राजनीतिक दल आर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटिया हुआ है। भाजपा कांग्रेस का बड़ा नेता चुनावी रैली कर रहा है। इन तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देवलियोनियारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुजरा समर्थन में जनसभा ने संबोधित किया। इन दौरान वे कहा कि भाजपा आपरा चुनाव संकल्प पत्र का 50% वादा पूरा करी है। वे कांग्रेस माले सवाल उठाता हुआ कहा कि वो धारा 370 ने हटावा की मांग करने वाला समर्थन में खड़ी है। दौसा विधानसभा सीट माते हो रहा उपचुनाव रे लेर भाजपा कांग्रेस चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इनरे तहत भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जमर चुनाव प्रचार में जुटे हुए है। डॉक्टर मीणा जिला रा सेंथल माए बैलगाड़ी माथे सवार होर रोड शो करिया। इन दौरान वे मतदाता सु भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन माए वोट डालबारी अपील करी। देखो माहौल तो आप देखो, सेतल में ऐसी अपार भीड़ आपने कभी भी नहीं देखी होगी। शहर में चारों तरफ जयकारे ही जयकारे हैं। कमल के फूल को जिताएंगे, नारे लगा रहे हैं और जोश है, जुनून है मतदाता में। भारी मतों से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। बैलगाड़ी क्यों चुनी? बैलगाड़ी हमारी संस्कृति की प्रतीक है। बैलगाड़ी पर भगवान कृष्ण भी बैठे थे और बैलगाड़ी में जो नंदी है वो भगवान शंकर की सवारी है। तो हमारी धर्म से और आध्यात्मिक उससे जुड़ा हुआ और किसानों का सबसे बड़ा पुराना जो है जुताई बुवाई करने का यही साधन था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दौसा माए कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवारा समर्थन माए चुनाव प्रचार करिया। इन दौरान वे कार्यकर्ता ने संबोधित करिया। गोविंद सिंह डोटासरा उम्मीद जताई कि कांग्रेस सात सीटा माथे विजय होवेली। वे कहा कि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। आपको लगता है कोई राजढंगा लगता है? किसी के काम हो रहे हैं? कोई कार्यकर्ता बीजेपी का खुश है? कोई वर्ग खुश है? बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़कें ठीक हैं, महंगाई कम हुई है, पेट्रोल का भाव कम हुआ है, ईआरसीपी की के लिए कोई केंद्र ने पैसा दिया है, दूसरा के लिए कोई विकास के लिए कोई पैसा दिया है, कोई बजट में नई योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी है? किसी को पता है इस सरकार में चल किसकी रही है? ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधि की सुनी नहीं जा रही है। तो ये पोपा भाई का राज ही हुआ और क्या हुआ आप बताओ। इसीलिए मैं पोपा भाई का राज बताता हूँ। कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा? अगर भाई भतीजे ही लड़ेंगे तो फिर कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पार्टी आलाकमान को सीधा कहा, जिताने की मेरी गारंटी है, मेरे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र के, आप तो एक असली सच्चे कार्यकर्ता को टिकट दीजिए और वो डीसी बैरवा के रूप में सामने आया।
राज्य सरकार शिक्षा विभाग में नवाचार करता था का कक्षा 9वीं सु 12वीं ताए होवे वाली जिला समान परीक्षा ने राज्य स्तरीय कर दियो है। अब बोर्ड कक्षा रितर्ज माथे सगला जिला निजी आर सरकारी स्कूल में पढ़वा वाला विद्यार्थी खातर अर्धवार्षिक आर वार्षिक परीक्षा में एक जैसा पेपर होवेला। शाहपुरा जिला रा फुलिया कला गांव रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माए इन व्यवस्था रे लेर शिक्षक आर विद्यार्थी माए उत्साह देखियो जा रहे हो है। हमारी राज्य सरकार और उच्च अधिकारियों द्वारा जिला समान परीक्षा को राज्य स्तरीय परीक्षा के रूप में बदला गया है। ये एक शिक्षा विभाग द्वारा बनाया गया नवाचार है। इससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा। इससे ये फायदा मिलेगा कि हमारे जो बोर्ड की परीक्षा देते हैं सीधे, तो बोर्ड का थोड़ा डर रहता है, बच्चों में फोबिया रहता है कि बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है। तो एक जो राज्य स्तर का पेपर अभी मिलेगा, इससे बच्चे बहुत खुश होंगे और इनका जो फोबिया है, इनके जो डर है, वो इनका डर अभी से निकलना शुरू हो जाएगा। पहली बार ये उठाया गया जो कदम है राज्य परीक्षा प्रणाली, ये बहुत अच्छी होगी, जिससे बच्चों में समय पर कोर्स पूरा हो जाएगा, तैयारी करने का एक अवसर प्रदान होगा और बोर्ड संबंधी जो पैटर्न जो परीक्षा का है उससे वो वाकिफ होंगे, जिससे जो उनके मन में जो भय है वो निकलता जाएगा। इस बार राज्य स्तर पर होने के कारण सभी के एक जैसे पेपर, एक जैसा पैटर्न और हर विद्यालय में से एक ही समय पर पेपर होगा और इससे हमें ये फ़ायदा है कि इसमें 100% पूरा कोर्स होगा और इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पढ़ने के लिए और भी आगे जागरूकता बढ़ेगी और इससे बहुत से स्टूडेंटों को अलग अलग फ़ायदा होने से, इसमें जागरूकता बढ़ने से हमारी पढ़ाई भी समय पर। जिला स्तर से पेपर आता था, अब नई सरकार के दौरान राज्य स्तर से पेपर आएगा, जिससे हमें यह फ़ायदा है कि अब टीचर जल्दी कोर्स पूरा करवा देंगे और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है ये भी हमें पता चल जाएगा। इस परीक्षा को लेकर हर बच्चे के मन में भय रहता है कि परीक्षा का पैटर्न कैसे आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे। तो इस भय को लेकर जो हमारी राजस्थान सरकार है उसने एक बदलाव किए, उन्होंने बदलाव किया है। जैसे कि हर साल जो अर्धवार्षिक का पेपर होता था वो जिला स्तर पर होता था और अलग अलग होता था हर जिले में, तो इस वर्ष ये बदलाव किया है कि जो पूरा अर्धवार्षिक का पेपर है वो पूरे राजस्थान में एक ही पेपर आएगा और जो 100% सिलेबस आएगा और जो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से वो आएगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में नवाचार करते हुए इस वर्ष से ही जिला स्तरीय समान परीक्षा को बंद करके प्रदेश स्तरीय परीक्षा आयोजन करवाने जा रही है, जिसको लेकर शाहपुरा जिले के विद्यार्थी एवं शिक्षकों में उत्साह का माहौल है, जहां विद्यार्थियों ने बताया कि समय पर कोर्स पूरा हो जाएगा और बोर्ड पैटर्न पर पेपर आने से बोर्ड परीक्षा को लेकर होने वाला भय पहले ही दूर हो जाएगा। कमलेश शर्मा, डीडी न्यूज, शाहपुरा। जयपुर माए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित करो गयो। कार्यक्रम माए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, विज्ञान भारती रा सचिव डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम माए वक्ता देश माए हो रहा वैज्ञानिक नवाचार माथे चर्चा करता था का कहा कि विकसित भारत 2047 री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री परिकल्पना माए देश रा वैज्ञानिक रो बड़ो योगदान होवेलो। गौरतलब है कि इन वर्ष CSIR कई वैज्ञानिक विभाग रा विज्ञान भारती रे साथे मिल इन मेगा इवेंट रो आयोजन कर रहे है। विज्ञान महोत्सव जिसको ISF बोलते हैं, ये 2015 से शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये विजन था कि हमारा किस तरह से मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को पूरा किया जाए। हम चाहते हैं कि देश में जो आज ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटेंसी आई है, जिसको GCC हम बोल रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के रूप में, हम इस देश को उभारें और ग्लोबल लेवल पर हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी कॉम्पीट करें और इसी दिशा में हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 30 नवंबर से 1-2-3 दिसंबर तक गुवाहाटी IIT में करेंगे और 7 सिस्टर्स जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं उनमें हम एक नेचुरलिटी की भावना के साथ में उसको एंटरप्रेन्योरशिप और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपडेट करने का प्रयास करेंगे। जो इस वर्ष का थीम है कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, तो उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा ISF, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और क्योंकि जब फेस्टिवल जब हम बोलते हैं तो क्योंकि भारत की जो संस्कृति है उसमें हर हमारे जो जीवन है उसमें फेस्टिवल ही होते हैं, तो विज्ञान और तकनीक को फेस्टिवल के फॉर्म में कैसे मनाया जाता है ये ISF है। और इसमें सभी
जो देश की जनता है, देश के युवा हैं, देश के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं या विज्ञान के इतर दूसरे लोग भी जो हैं, वो वैज्ञानिकों के साथ वहाँ पर भागीदार हो सकते हैं। और जो भारत ने अभी तक की तरक्की की है विज्ञान के क्षेत्र में या जो नवाचार विज्ञान के क्षेत्र में किए गए हैं, उनके प्रदर्शन के लिए एक बहुत मौका है। 25 साल में हमको जो है डेवलप कंट्री बनना है, उसके लिए सबसे बड़ा जो करना है सब हम सभी को कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में प्लस अपना जो डेवलपमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग में और नई टेक्नोलॉजी में और नॉलेज बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उस पर आना है। उसके लिए ये साइंस फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसमें कि सारे हम शोकेस करते जो भी हमारा जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी हमने डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट को वहाँ शोकेस करते हैं, जिसमें देश भर के सारे लोग आते हैं और उसको देखते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और खासकर स्कूल के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि सारे स्कूल के बच्चे वहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि क्या देश हमारा किस तरह से प्रगति हो रहा है क्योंकि वही हमारे भविष्य है। तो ये एक तरह से फेस्टिवल को मनाने का कारण यही है, वजह ये है कि जिससे कि सब लोग आए देखें क्या प्रगति है और सब लोग अपना अपना जो है उसमें योगदान दें। राज्य सरकार हर जिला में लोगों ने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराबर प्रयास कर रही है। इन तहत बालोतरा जिला अस्पताल में अब डायलिसिस सेंटर री शुरुआत करेगी है। इन सेंटर रो लाभ बालोतरा समेत आर एस आर एरा किडनी री बीमारी सु पीड़ित मरीजा ने मिल रो है। इन सु पहली डायलिसिस खातर इन मरीजा ने जोधपुर या अहमदाबाद जानो पड़तो हो। जिन्हें जिला अस्पताल पीएमओ संदीप देवत बतायो कि इनरे सेंटर में आए 2 डायलिसिस मशीन लगाई गई है। इनरे साथ ही मरीज आर वनारा परिजना ने अस्पताल परिसर में आए शुद्ध पानी उपलब्ध कराबा खातर 304,000 लीटर क्षमता वालों आरओ प्लांट भी लगायो गयो है। जैसे अभी 2 महीने पहले तक डायलिसिस की सुविधा नहीं होती थी तो किडनी के मरीजों को जहाँ से जोधपुर जाना पड़ता था, तो राजस्थान राज्य सरकार ने और एमएलए साहब ने मिलकर जैसे सरकार ने कम से कम 175 जगह डायलिसिस की मशीन लगाई हैं, जिसमें अपने बालोतरा अपने नाटा हॉस्पिटल में भी 2 डायलिसिस मशीनें लगी हैं और 2 महीने में हमने 35 डायलिसिस अभी तक कर चुके हैं अपन। और डेली 2 पेशेंट का अपन डायलिसिस हो जाता है तो उससे क्या है कि मरीजों को इतनी सुविधा है कि उनको जोधपुर बार बार जाना नहीं पड़ता और मरीजों को परेशानी नहीं होती। प्रदेश भर में आज गोपाष्टमीरो पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग रे मुजब कार्तिक मास रा शुक्ल पक्ष री अष्टमीने यो पर्व मनायो जावे है। इन ए दिन गौ माता रो खास पूजन करो जावे है। इन मौका माथे दौसा माए लोग गौशाला आर दूजी ठोरा माथे जार गाय रो खास पूजन कर रहा है, साथ ही वणाने हरो चारो आर खीचड़ो खिला रहा है। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरा री शुरुआत जीत रे साथे करी है। भारत काल डरबन में खेला गया सीरीज रा पहला T20 मैच में मेजबान अफ्रीका ने 61 रन सु हरा दियो। यह भारत री इन बरस T20 इंटरनेशनल में 22वीं जीत है। काल खेला गया मैच में भारत पहली बल्लेबाजी करता था का 8 विकेट माथे 202 रन बनाया। लक्ष्य रो पीछो करबा उतरी अफ्रीका री टीम 17.5 ओवर में 141 रन माथे ढेर होगी। भारत कानिसु संजू सैमसन T20 में लगातार दूसरो शतक बनायो। और अंत में आज री मुख्य खबर एक बार फिर सु। विधानसभा उपचुनाव ने लेर चुनाव प्रचार जोरा माथे। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा देवलोनियारा सीट सु भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुजरा समर्थन माए जनसभा ने करिया संबोधित। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दौसा माए कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवारा समर्थन माए करिया चुनाव प्रचार। राज्य री 7 सीटा माथे जीत री जताई उम्मीद। राज्य सरकार शिक्षा विभाग माए करी नवाचार। कक्षा 9वीं सु 12वीं ताय होबो आड़ी जिला समान परीक्षा ने करियो राज्य स्तरीय। जयपुर माए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत कर्टन रेजर कार्यक्रम करियो गयो आयोजित। कार्यक्रम माए वक्ता देश माए हो रहे वैज्ञानिक नवाचार माथे करी चर्चा। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरा री जीत रे साथे करी शुरुआत। डरबन में खेला गया पहला T20 मैच में मेजबान अफ्रीका ने 61 रन सु हरायो।
राजस्थानी समाचार माथे अब आर के लिए अतरोही थे, देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान, नमस्कार।